प्रजवान आपकी पहचान। जेल डीजी संतोष कुमार उपाध्याय आज बालेश्वर जेल परिदर्शन आसी अवसर में जेल भितरी कोविड नियम पालन और समस्या संपर्क डीजी अंतेवासी सहित आलोचना करी सहित जेल रो सुरक्षा व्यवस्था नहीं समीक्षा कर जेल भितरे निशा कारबार मोबाइल व्यवहार को संपूर्ण निषेध करा जेल डीजी निर्देश देपरी अंतेवासी मानवाधिकार सुरक्षा नहीं कर्तृपक्ष जत्नवान होगा से परामर्श देते अंतेवासी द्वारा कर माष बुले देखिथिले डीजी आग को एठारे महिला माने केमिति बड़ी हलदी गुंड छतुआ बेसन आदि प्रस्तुत करें से दिगरे दृष्टि देवे कही नूतन भाव जेल परिसर में निर्मित परिवेक्षण गृह को जेल डीजी संतोष कुमार उपाध्याय उद्घाटन करी जेल रो दीप्तिमणि रावल जेल सुपरिटेंडेंट सुजीत कुमार राउत प्रमुख उपस्थित थिले। प्रथम कथा हूँ जिते दूर मु विभिन्न जेल परिदर्शन करी बर्तमान देखिए बालेश्वर जेल टा एक सर्वपुरातन हो पारे सब पुराणा जेल 1847 मसीह ठीक आम देश स्वाधीन हबार स्वाधीन हबार 100 वर्ष पूर्व ये जेलटा या 1847 जेल रही भितर आनुषंगिक व्यवस्था देखिली और बाह्य जोटा कि आपड़ जो कृषि भित्तिक कार्यक्रम जो नहीं देखिली मो मैं सांगे किसी सामाजिक मंत्री आते से किसी दर्शन कले से किसी सजेसन देते तेनालीराम भविष्य दिन आम इम्प्रूव करें बालेश्वर समय जानते एग्रीकल्चरल इकोनोमी बेस्ड जिस तेणु आम यही जेल रे वर्तमान केमती नुआ भावे फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स करी विशेषकर हलदी गुंड बेसन सुजी कि सोरिष तेल मानते खाद्य प्रक्रियाकरण जिनस जोटा कि लोक मैंने ठीक भाव पाइबे बर्तमान भुवनेश्वर और चौदार अलरेडी आरंभ कराई जिनसा बहुत कम दाम दिहा जनसाधारण उपलब्ध करेक्षी में आम बालेश्वर जेल सामने में गोटे एक टेम्पररी स्टल मध्यम जनसाधारण आम ठीक जिनस बिक्री करने मानने सुजोग सृष्टि करा छाड़ा पनीपरिया बहुत भल चाष आपारे गुड क्लीन वेजिटेबल पाइबे कहीं बाहर जानते को टाइप जिनस मिलूँ आप निजे फिल कर लोक मूँ सुस्वास्थ्यकर अच्छी मैं वेजिटेबल्स और अन्य एडिबल फुड्स देवाटा समाज प्रति नैतिक कर्तव्य भाव तेनाली आम दायित्व भाव ग्रहण करें आशा करूँ आगामी तीन चार मस भाई बालेश्वर जेल मत किसी स्वावलम्बी हो पार जनसाधारण को यही खाद्य प्रक्रियाकरण शिल्प मध्यम किसी सेवा जोगे कहीं आम समस्त हो गवर्नमेंट सर्वेंट जनसाधारण प्रति आम उत्तरदायित्व रही आम से किसी जोगे पारे आम निजी निजे धन्य मन कर हाँ कैदी मान सा मिसले विभिन्न प्रकार जो अभोग था फर्लो पेरोल प्रीमाचर रिलीज तक जहाँ जहाँ किसी अभोग से विषय में मुझे शुणिली तेणु कंटिन्यूस प्रोसेस जोटा कि आमर अच्छी डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट पुलिस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट छड़ा अच्छी जेल विभाग तीन टा विभाग मिसिकी कार्य अनुषान जाए केत जगार डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अर्डर दिखते केत जगार प्रिजन डायरेक्टोरेट अर्डर दि जाए केत जगार गवर्नमेंट दिखती सेंटेन्स रिव्यू कमिटी फर प्रीमैच्योर रिव्यू जोटा कि प्रीमैच्योर रिव्यू जोटा कि आम स्टेट जहाँ था अप टू डिसेम्बर सब डिसाइड हो जाए सेटा प्रति क्वार्टरली मतलब मीट कर सो दैट प्रिजनर्स मैंने जो कन्विक्ट अच्छे से केस गुड़ाक आम टाइमली वर्ष चार थर लगे आम डिसाइड कर मेरीट बेसीस सेंटेन्स रिव्यू कमिटी को पेश कर सेंटेन्स रिव्यू कमिटी डिसीजन जो निये सबसिक्वेंटली मान्यवर राज्यपाल अनुमोदन क्रमे से आज निर्देश कार्यकारी हुए ये आमर ये डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन ऑफिसर नुआक बिल्डिंगटा है डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन ऑफिसर काम विषय में बहुत लोग जानती ना केवल एडवोकेट्स मैंने जानते आमर अच्छी प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट जो मैंने छोट छोट अपराध करोष स्वीकार करते कोर्ट को मध्यम से प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट जिमा छाड़ दिया जाए से मैंने केमी भविष्य में अपराध न करेंगे छोट छोट अपराध होते हैं
ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପ୍ରୋବେସନ୍ ଅଫିସରଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି, ମୁଁ ଯାହା ଖବର ନେଇଥିଲି ଯେ ଗତ 2020 ମସିହାରେ ବିଶେଷ କରି ଜାନୁଆରୀ ମାର୍ଚ୍ଚ ଭିତରେ ଏରାଉଣ୍ଡ 53 ଲୋକଙ୍କୁ ସେଇଟା ସଜା ଦିଆଯାଇଛି, ଯେ ଡିପିଓଙ୍କ ସୁପାରିଶ କ୍ରମେ ଯେ ମାନ୍ୟବର ଅଦାଲତ ଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଇଟା କନଭିକ୍ସନରେ ପରିଗଣିତ ହେବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ପିଓ ଆକ୍ଟରେ ରିଲିଜ୍ କରିଦିଆଯାଏ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ଯଦି ରିଲିଜ୍ ହେଲା ପରେ ସେମାନେ ଯେମିତି କ୍ରାଇମ୍କୁ ନ ଯାଇପାରିବେ ସେଥିଲାଗି ରିଫର୍ମ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଯିଏ ପ୍ରିଜନ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଙ୍ଗ ହେଉଛି ଯେ କରେକ୍ସନାଲ୍ ସର୍ଭିସେସ୍, କରେକ୍ସନାଲ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ ଅଙ୍ଗ ହିସାବରେ ଆମର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପ୍ରୋବେସନ୍ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି, ଜେଲ୍ରେ ପ୍ରିଜନ୍ ୱେଲ୍ଫେୟାର୍ ଅଫିସରମାନେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ହେଉଛି ମାନେ ଗୋଟେ ନୈତିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି, ଯେଉଁମାନେ ଏଠୁ ଜେଲ୍ରୁ ଖଲାସ ହେଲେ କିମ୍ବା ପିଓ ଆକ୍ଟ ଛଡ଼ା ହେଲେ ସେମାନେ କେମିତି କ୍ରାଇମ୍ ଦୁନିଆକୁ ନ ଯିବେ ସେଟାକୁ ମାନେ ନଜର ରଖିବା, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ରିଫର୍ମସ୍ କରିକି ଭଲ ମଣିଷ କରିବାଟା ମଧ୍ୟ ବି ସରକାରଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଯେଉଁଟାକି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପ୍ରୋବେସନ୍ ଅଫିସରମାନେ କରନ୍ତି।